दिल्ली के लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में ठीक इस रोड के बगल में एक टावर लगाया 20 फीट टॉल हरा नारंगी पूरे डिजाइन के साथ पर ये सजावट के लिए नहीं लगाया गया दिस इज एन एयर प्योरिफायर इस एंटी स्मोक टावर के ये फैंस सेकेंड पॉल्यूटेड है और रिमूव कर सकते हैं 80 परसेंट पार्टिकुलेट मैटर लेकिन ये फैंस भी कुछ नहीं कर पाएंगे जैसे ही चालू होंगी सर्दिया इस चार्ट में आप देख सकते हैं पॉल्यूशन एयर में ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर या देखिए जून और जुलाई में एयर में पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा कम है यानी कि समर में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कम है लेकिन अक्टूबर स्टार्ट होते ही एक अजीब पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है दिस लाइन शूट्स यानी कि पॉल्यूशन शूट से पहले आप लोग बोलना शुरू करें पटाखे पटाखे नहीं पटाखे जलाने से नहीं हो रहा ये क्योंकि पूरी दुनिया में एक्चुअली में विंटर में एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होती है पर मंगोलिया में कोई दिवाली नहीं मना रहा इट्स एन यूनिवर्सल थिंग पर क्यों सर्दियों में ही एयर पॉल्यूशन ज्यादा क्यों होती है यार इसका आंसर है ये इस वीडियो में आप अभी विटनेस कर रहे हैं कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन एक्चुअली में टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट कर देता है एक ढक्कन जो पॉल्यूट को बाहर नहीं निकलने देता जिससे क्रिएट होता है स्मॉग और इसी की वजह से पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन चलिए पता करते हैं सो so तो भले ही स्मोक के मामले में हमारी इंडियन सिटीज दुनिया की हर एक सिटी को पीछे छोड़ चुकी वी डिड नॉट स्टार्ट ऊपर से नीचे तक ड्रेस्ड अप एक हाई क्लास औरत लंदन के सैडलस वेल में घुसती है वो यहाँ आई है एक प्ले देखने के लिए पर गेट पर ही गार्ड उसको भगा देते हैं नहीं उसकी कोई गलती नहीं है एक्चुअली पूरा थिएटर ही धुएं से भरा हुआ है कोई प्ले क्या देखे अपने से एक मीटर दूर देखना भी बहुत मुश्किल है और यही सेम हाल था लंदन सिटी का उस दिन थी फाइव डिसम्बर में लोग कहने वाले थे द ग्रेट फॉग ऑफ लंडन लेकिन कहना तो चाहिए था इसको किलर फॉग ऑफ लंडन क्योंकि अपने घर में और फैक्ट्रीज में इतना ज्यादा कोल बर्न किया गया कि इस फॉग से बारह हजार लोगो की मौत हो गई थी गाड़िया रोड पे क्या चलती सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था एक्सीडेंट होते जा रहे थे 2 टू आठ नवंबर 2017 ये होता है इंडिया में दिस इज द यमुना एक्सप्रेस पे और यहाँ पर भी हुई टक्कर लेकिन इन दोनों इंसिडेंट में बस टक्कर ही कॉमन बात नहीं है इस डेट पे ध्यान दीजिए winter And winters are deadly क्योंकि अक्टूबर महीना स्टार्ट होते ही नॉर्दर्न इंडिया में होती हैं ये तीन चीजें कॉल ट्रिपल थ्रेट ट्रिपल अटैक इट दैट पार्ट ऑफ अ अ कंट्री इनटू गैस और पहला थ्रेट है टेम्परेचर इन्वर्जन तो हमारे जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो डायरेक्टली सन से हीट नहीं होती वो तभी ही हीट होती है जब सनलाइट ग्राउंड पे पहले पड़े फिर उसमें रिफ्लेक्ट हो मींस पहले ग्राउंड हीट होता है फिर वो हीट छोड़ता है और जो एयर उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में वो गर्म होती है और जैसे जैसे ग्राउंड से एयर का डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एयर ठंडी होती जाती है एज अ रिजल्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग द डे से नीचे वाली एयर सबसे गर्म एंड सबसे बाहर वाली एयर सबसे ठंडी सो इट इज कोल्ड अब एंड हॉट बिलो ड्यूरिंग द डे अंडर नॉर्मल कंडीशन रात में क्या होता है उल्टा हो जाता है नीचे वाली एयर कोल्ड हो जाती है और ऊपर वाली गर्म ही रहती है लेकिन अगले दिन फिर से सूरज निकलता है तो फिर से फास्ट उसको गर्म कर देता है और नॉर्मल सिचुएशन आ जाती है नीचे गर्म ऊपर ठंडा तो नॉर्मल सिचुएशन में ये हो गया दिन ये रात ये दिन ये रात पर सर्दियों में क्योंकि दिन छोटे होते हैं इतने और रात इतनी लंबी होती है और सन की रेस डायरेक्ट नहीं होती वो स्लांटेड होती है पढ़ा होगा अपने जोग्राफी में तो सर्दियों में क्या होता है जमीन इतनी ज्यादा गर्म नहीं हो पाती इवन ड्यूरिंग द डे तो दिन में भी वो एयर वापस गर्म नहीं हो पाती एज अ रिजल्ट नॉर्मल सिचुएशन जो थी हमारे दिन की नीचे गर्म एयर ऊपर ठंडी एयर वो नहीं आ पाती बल्कि विंटर में दिन के समय भी नीचे ठंडी एयर ही रहती है और ऊपर गर्म एयर आ जाती है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कोल्ड एयर हॉट एयर से बहुत ही ज्यादा डेंस होती है इसलिए वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती ऊपर और मिक्स नहीं करती एक ही जगह पे रहती है जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स है में, वो भी की तरफ नहीं जाते। बल्कि नीचे ही एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं इकट्ठा रहते हैं और हम उन्हें सुखते रहते हैं और इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है सेकेंड थ्रेट और भी पोल्यूटेंट्स ऐड होने वाले हैं इस बार पंजाब और हरियाणा से तो बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब और हरियाणा में पैडी की बंपर फसल होने लगी फार्मर्स बहुत ज्यादा फसल उगाने लगे सब चंगा सी बट देन अ प्रॉब्लम पैडी यानी कि राइस बहुत ज्यादा पानी खाता है जिसके वजह से उस एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम होने लगा तो सरकार ने एक रूल लेकर आई कि आप लोग मॉनसून सीजन में ही ये पैडी की फसल ग्रो करना स्टार्ट कर सकते अब इसके वजह से क्या हुआ हार्वेस्ट का जो सीजन है वो आगे बढ़ के अक्टूबर महीने में आ गया इसका मतलब फसल काटने का महीना हो गया अक्टूबर और जब फसल कटती है तो बच जाती है पराली वो स्ट्रॉ टाइप जो चीज दिखती है वो तो अब गेहूं की फसल उगानी है उसके बाद तो इसको तो हटाना पड़ेगा किसी भी चीज को हटाने का सबसे आसान तरीका होता है जला दो उसे तो फार्मर्स ये पराली जलाने लगे लेकिन ये भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो पॉल्यूशन उसी जगह में लिमिटेड रहता ये पॉल्यूशन आ गया दिल्ली में थर्ड अटैक की वजह से हिमालयन विंड्स अब अक्टूबर के महीने से क्योंकि लैंड जल्दी जल्दी ठंडा होने लगता है इसीलिए द एरिया दैट इज टू तो द नॉर्थ ऑफ द हिमालय वहां पे डिवेलप हो जाता है एक हाई प्रेशर जोन बिकॉज सी हीट बहुत स्लोली लूज करती है एंड विंड ब्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर तो हिमालय से सारी हवा नीचे आने लगती है इंडो गैंगटिकेन में अपने साथ सारा पदाली वाला पोल्यूशन लेके दिल्ली में और यूपी में और ऑलरेडी जो थिक एयर है वो मूव करती नहीं है तो ये पोल्यूशन एक ही जगह पे इकट्ठा रहता है इतना ज्यादा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट एरिया है यूएस एम्बेसी का क्योंकि वहाँ पे ऑफिस में और उनके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वहाँ पे उन लोग ने हर रूम में एयर प्योरीफायर सिस्टम लगा के रखा है जो कुछ ऐसा दिखता है डे के एंड में इतनी ज्यादा धूल इकट्ठा हो जाती है उसमें चाइना वाले यूएस एम्बेसी का भी पहले यही हाल था लेकिन अब वो ऐसी दिखती है चाइना जिसको पहले हमारे तरह ही पोल्यूशन के लिए जाना जाता था अब वो धीरे धीरे पोल्यूशन फ्री होता जा रहा है आपको ये बात पता है कि ये एक दिन की बात नहीं है उसके लिए उसने बहुत स्टेप्स उठाए हैं सबसे पहले तो दुनिया में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन सबको मिला भी दिया जाए तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदती है चाइना पिछले एक साल में ही चाइना ने जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं उसको डबल कर दिया अपनी कंट्री में पैसला वहाँ पर अपना नया एक मैन्युफेक्चरिंग प्लांट बनाने वाला है अभी शंघाई सिटी के बाहर और वहाँ पे एक शेंजाई करके सिटी है जहाँ पर जितनी भी बसेस है वो सब इलेक्ट्रिक है ऐसा नहीं अपने देश ने कदम नहीं उठाया अपने देश ने बहुत कदम उठाए हैं पर मेरे को लग रहा है हम लोग को इलेक्ट्रिक ही करना होगा तभी हम लोग का ये पॉल्यूशन कम हो पाएगा और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि जो जॉब्स क्रिएट होती हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में नॉन रिन्यूएबल से डबल क्रिएट होती है यही फ्यूचर है और अगर हमें अपनी आने वाली जेनरेशन के लिए फ्यूचर एक सेफ बनाना है विदाउट एनी पॉल्यूशन इलेक्ट्रिक इज द ओनली ऑप्शन आई थिंक यार क्योंकि यार अगर जलाओगे तो धुआं तो उठेगा ही ना और धुएं से अमीर लोग नहीं मरते बस गरीब लोग ही मरते हैं 1952 में भी जब पहली बार ये इंसिडेंट हुआ था तो उसमें अमीर लोगों ने तो गैस मास्क खरीद लिए मरा माँ का गरीब इंसान ही इंडिया में भी सबसे ज्यादा गरीब लोग ही मरते हैं वर्ल्ड में भी सब साधारण अफ्रीका अफ्रीका इन सब जगह में और इंडिया ऑफकोर्स एशिया में गरीब लोग मरते हैं जब पॉल्यूशन होती है तो हमको इसके लिए कुछ करना होगा बस मैं नहीं हमें इसके लिए जरूर कुछ करना होगा अगर आप भी आपके घर में भी दो तीन गाड़े हैं तो प्लीज गाइस जस्ट सेल इट